Hello everyone, I'm Salvi from Salaam Bombay Foundation. World No Tobacco Day, May 31st, a significant day when you think about the fact every year we witness 480,000 tobacco-related deaths. And the fast evolving trend is the use of ENDS, electronic nicotine delivery system, which can end our life. Ironic, isn't it? ENDS, as in tobacco can lead to an end. We, the interns at Salaam Bombay Foundation, decided to do a dipstick survey amongst the general population in Mumbai to figure out how many of them had actually heard about it. And if they had, then what do they know about the ENDS? So, here we go. क्या पी सिगरेट ही वेपेंस वगैरह की जानकारी है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया है। नहीं, मैंने आज तक कभी पहले सुना नहीं है इसके बारे में, कभी देखी भी नहीं हो। नहीं, कभी। पेन हुक्का के बारे में जानता हूँ। पेन हुक्का के बारे में जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एक पेन के तौर पर देखा है, मगर देखा है ना? हाँ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या सामग्री उपयोग किया जाता है उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? उसमें लिक्विड आता है, एक उसमें जो इंग्रेडिएंट होता है उसमें टोबैको और केमिकल मिक्स किया हुआ है। तंबाकू होता है, निकोटीन होता है। अच्छा, और हम ई सिगरेट लेने के बाद हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है आपको पता है कुछ? हाँ, हमारे लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं। हाँ। और अपने जो सांस लेने की बीमारियाँ, कैंसर वगैरह, इसका मतलब ज़्यादा चांस होता है। तो जैसे वो पहले अपने थ्रोट खराब होती है, तो लंग्स भी थोड़ा डैमेज होते हैं। Yeah, it destroys the lungs. आप किसी आसपास के लोगों को देखे हो उसको इस्तेमाल करते हुए? कभी देखा नहीं है उसको इस्तेमाल करते हुए। बेचते हुए मतलब दुकान दुकान में देखा है? दुकान में देखा है। Everybody, 95% of the दोनों भी खराब है। दोनों भी खराब है। As far as I know, they're supposed to be healthier than normal cigarettes. दोनों है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो सिगरेट ही रहेगा। सबसे ज़्यादा सिगरेट आपको लगा? मेन टोबैको ही होगा उसमें। अच्छा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये केस में ये है कि लोग समझते हैं कि ई सिगरेट कम हानिकारक है, लेकिन ई सिगरेट सबसे ज़्यादा निकोटिन ज़्यादा ये कंज्यूम करता है। तो जितना सिगरेट हानिकारक है उतना ही ई सिगरेट भी हानिकारक है। द रिजल्ट्स आर नॉट सरप्राइजिंग। लेस देन 60% ऑफ दोज वी स्पोक हैड नेवर हर्ड अबाउट ENDS। टोबैको इज अ सीरियस एपिडेमिक एंड कॉस्ट द इंडियन एक्सचेकर अराउंड 10.5 मिलियन रुपीज टुवर्ड्स टोबैको रिलेटेड हेल्थ केयर। So, join the rally to spread awareness of these deadly issues. For more information, follow us at the Salaam Bombay Foundation Facebook, Twitter, and Instagram pages. Thank you.